अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 से 3 मिनट से बनने वाली इंस्टेंट खोया रेसिपी। मावाई बोलते हैं इसको। बनाने के लिए एक पैन ढक लियो मैं इस तरह कड़ी। गैस को ऑन कर लेंगे, इसी में डाल देंगे। आपको चिकना होना तो 2 टेबलस्पून घर का बना हुआ घी है ये। आपको रू का चाहिए तो बिना घी के भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून घी डालियो मैं। इसी के साथ डाल देंगे 1/3 कप दूध। दूध गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, इसी स्टेज में डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, 2 बैचेस करके डालेंगे। आपको क्वांटिटी ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा कीजिए। बहुत ही आसान है बनाना। इसी में डाल देंगे 2 चम्मच शुगर। आप बिना शुगर के भी बना सकते हो। इस तरह बनाने से डेजर्ट, लड्डू, हर स्वीट रेसिपी में काम आने वाली है ये। थिक होने तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख लीजिए थिक कंसिस्टेंसी हो चुका है, वो ज़्यादा पकाना नहीं। इस तरह होने के बाद गैस को बंद कर देंगे। एक प्लेट में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत ही आसान है ये, आप इसको लड्डू भी बना सकते हो। जब इस तरह ठंडा हो जाए जाने के बाद आप देख लीजिए कितना दानेदार हमारी इंस्टेंट बनने वाली खोया बनकर तैयार हो चुकी है। ठंडा होने के बाद इस तरह दानेदार बन चुका है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं। 2 से 3 मिनट में बन जाने वाली इंस्टेंट खोया मावा की रेसिपी है ये। जब भी आपको मावा चाहिए तो इस तरह बनाकर डेजर्ट में और स्वीट रेसिपी में डालने वाली खोया है ये। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआओं में याद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।